प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आदर्श की ऑनलाइन क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक जो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ओवरी के बारे में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने अपना भाग पार्ट है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी, इसके बारे में स्टार्ट किया था। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ओवरी जो होती है यह बादाम के आकार की और श्रोणी क्षेत्र की ओर, उदर गुहा के अंदर श्रोणी क्षेत्र में ये पाई जाती है और एक जोड़ी अंडाशय है वो होते हैं, ठीक है। प्रत्येक मादा जनन तंत्र की यदि हम बात करें तो उसमें, और ये जो है मीजोवेरियम तंतु के द्वारा, मीजोवेरियम रज्जु जो होता है वो इसको उदर गुहा से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में हमने इसके अंदर की ओर भाग देखे। इसके अंदर सबसे पहले बाहर की झिल्लियाँ की जो हम बात करें तो इसमें विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एल्बुजीनिया दो परतें पाई जाती है, और उनके बीच में जो भाग हम देख रहे थे उसके बीच का भाग है उसमें पाई जाती है जर्मिनल एपिथीलियम। कौन सा भाग होता है? जर्मिनल एपिथीलियम वाला भाग होता है। और जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर, जर्मिनल एपिथीलियम जो भाग है उस जर्मिनल एपिथीलियम से प्रीमोर्डियल जर्म सेल का निर्माण होता है। यहां से प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनती है और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल आगे की ओर ओवम बनाती है। किसका निर्माण करती है? ओवम का निर्माण करती है। पहले ग्राफीन फॉलिकल्स बनाती है, ये ग्राफीन फॉलिकल्स बनाने के बाद में एग फॉर्मेशन करती है। तो ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है इसके मध्य का जो भाग है वो पाया जाता है। उसके बाद में हमने इसमें देखा कि इसको दो भागों में बांटा गया है पूरी ओवरी को। इसका एक भाग जो है बाहर वाला, जो ठोस भाग पाया जाता है इसके अंदर जिसमें स्ट्रोमा उपस्थित होता है, इस ठोस भाग को अंडाशय कॉर्टेक्स कहा जाता है, अंडाशय वल्कुट कहा जाता है। तो ये ठोस भाग जो होता है इसे अंडाशय वल्कुट कहेंगे, और ये जो अंडाशय वल्कुट जो होता है, अंडाशय वल्कुट के अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, पुटक पाए जाते हैं, बहुत सारी पुटिकाएं हैं वो उपस्थित होती हैं। तो इसका जो बाहर वाला भाग है वो अंडाशय पुटक होगा, अंडाशय कॉर्टेक्स होगा, और भीतर की ओर जो भाग पाया जाता है इस भीतर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। इस मेडुला के अंदर रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, कुछ तंतु उपस्थित होते हैं, लसिका वाहिनियाँ होती हैं। तो ये इसमें रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, श्लेष्म कोशिकाएं आदि इसके मेडुला भाग के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बाहर वाला जो भाग होता है कॉर्टेक्स, इस कॉर्टेक्स भाग के अंदर यहाँ पर फोलिकल बनते हैं, और ये जो फोलिकल होते हैं उसमें सबसे पहले प्राइमरी फोलिकल होता है ये, जिसमें ये क्या होते हैं, ओवेरियन फोलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फोलिकल्स की वृद्धि से इसमें ग्रोथ करता है एक ओवेरियन फोलिकल, बाकी के जो फोलिकल्स होते हैं वो इसमें इसके पोषण में सहायता करते हैं और कुछ है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये ओवेरियन फोलिकल होता है, इनमें से एक फोलिकल जो होता है ये फोलिकल क्या करता है, ग्रोथ फेज में जाता है, और ग्रोथ फेज करके थोड़ा आकार में बड़ा हो करके
प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा और इस प्राइमरी फॉलिकल की कंडीशन के अंदर इसमें चारों ओर एक पारदर्शी आवरण का निर्माण होता है और इस पारदर्शी आवरण को हम इस पारदर्शी आवरण को जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। जो हमने गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम ऊजेनेसिस जब पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम इस परत के बारे में हमने चर्चा की थी कि इसकी ग्रोथ फेज़ के अंदर क्या होता है ऊजेनेसिस में, ये इसके चारों ओर का एक आवरण बनता है जिसे क्या कहा जाता है? जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। अब जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक आवरण और बनता है, यहाँ पर पुटिकी आवरण, इसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये आवरण कहलाता है कोरोना रेडिएटा। तो इसमें दो आवरण पाए जाते हैं, एक तो जोना पेल्यूसिडा और एक आता है कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर की जो कोशिकाएं हैं वो ठीका स्तर का निर्माण करती हैं। इसमें पुट्टी की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ठीका लेयर बनाती हैं। इस ठीका लेयर में आउटर ठीका और इनर ठीका भाग होते हैं जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोशिकाओं से बनी हुई होते हैं ये लेयर, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये प्राइमरी ऊसाइट जो है वो ग्रोथ करता है और सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण करता है यहाँ पर, और बीच में क्या होता है इसके अंदर जो है तरल पदार्थ भरता रहता है और तरल पदार्थ भरने के कारण इसमें तरल पदार्थ भरता रहेगा और तरल पदार्थ भरने के कारण इसके अंदर छोटी मध्य में छोटी सी गुहा बन जाती है और इसका जो ऊसाइट होता है वो ऊसाइट एक किनारे पर लग जाता है, ठीक है। एक गुहा बनती है, बाद में ये गुहा धीरे धीरे बड़ी होती जाती है ये सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं जिसमें इसके बाद में क्या होगा, इसमें विभाजन की क्रिया होगी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से सेकेंडरी ऊसाइट बनता है और इस सेकेंडरी ऊसाइट के चारों ओर फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं और इनके मध्य में एक बड़ी गुहा होती है जिसे एंट्रम कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? एंट्रम कहा जाता है। तो ये एंट्रम होती है। एंट्रम और ये द्वितीयक ऊसाइट कहलाता है। ये सेकेंडरी ऊसाइट होता है और ये भाग होता है इसका एंट्रम। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये सेकेंडरी ऊसाइट की जब कंडीशन होती है इस कंडीशन में ओव्यूलेशन होता है, यानी इसमें जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो अंडोसर की क्रिया होती है और सेकेंडरी ऊसाइट है वो पुटिकीय कोशिकाओं से बाहर निकलता है। इसे ग्राफीन पुटिका भी कहते हैं हम। ये जो परिपक्व पुटिका होती है इसे ग्राफीन पुटिका कहा जाता है। क्या कहेंगे? इसे ग्राफीन पुटिका कहते हैं और इस ग्राफीन पुटिका की कंडीशन के अंदर अंडोसर की क्रिया होती है और अंडोसर की क्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये अंडा जो है सेकेंडरी ऊसाइट जो होता है या सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल जाता है, यहाँ से सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल जाता है और इसका जो खोल होता है फॉलिकल सेल्स का, इस फॉलिकल सेल्स का खोल है वो एक पीले रंग की ग्रंथिल संरचना का निर्माण करता है
जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। यह क्या कहलाएगा? कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, इसे कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, जब अंडोसर्ग होता है ओव्यूलेशन, ये 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आर्तव चक्र के 14वें दिन होता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी, हमने पढ़ा था कि ये आर्तव चक्र जब होता है तो आर्तव चक्र के 14वें दिन इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होगा, अंडोसर्ग की क्रिया होगी। और इस अंडोसर्ग के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो बाहर अंडा जो है ऊसाइट जो होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है इसमें फॉलिकल सेल से, ग्राफीन पुटक से। और ये ग्राफीन पुटक जो होता है ये एक पीले रंग की ग्रंथिल संरचना कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है इसके द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन का स्त्रावण होता है। इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन, इन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये जो अंडाणु जो निषेचित होगा, ओवम जो फर्टिलाइज्ड होगा, तो उस निषेचित अंडाणु को क्या गर्भाशय में रोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। ठीक है, तो ये रोपण के लिए क्या करेगा, गर्भाशय को तैयार करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और उसके बाद में जब ये निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन के पश्चात भ्रूण के परिवर्तन में भी सहायक होते हैं। तो ये बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम। अब देखिए, यदि कार्पस ल्यूटियम बन गया, अब कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद में यदि इसमें निषेचन नहीं हुआ इस, तो क्या होगा? देखिए, ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ओवम है, वो तो हासित हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम एक छोटी सफ़ेद रंग की संरचना में बदल जाता है जिसे श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ठीक है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस के अंदर कार्पस ल्यूटियम है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है इसके अंदर, अंडाशय के अंदर। ठीक है, पूरी की पूरी अवस्था जो है, इसमें कौन सी अवस्थाएं यहाँ से लेते हैं हम, गुणन प्रावस्था से लेकर के परिपक्वन प्रावस्था तक ये प्रावस्थाएँ अंडाशय के अंदर होती है। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु निर्माण के पश्चात ओव्यूलेशन के द्वारा ये अंडाणु जो है ये किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, अंडवाहिनी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है इसको। और अंडवाहिनी में क्या होगा, यहाँ पर अंडाणु का निषेचन होता है, तो निषेचन की क्रिया इसमें ओविडक्ट या अंडवाहिनी के अंदर होती है। तो ये बच्चों, ये आपका भाग जो है वो आ जाता है ओवरी। ठीक है, जो मादा के उदर गुहा में श्रोणी क्षेत्र की ओर एक जोड़ी स्थित होते हैं, बादाम की आकृति के होते हैं, और इसके दो भाग होते हैं। बाहर वाला जो भाग है उस बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, ये जो बाहर वाला भाग है इस भाग को, जिसके अंदर द्रव पाया जाता है, ये कठोर भाग होता है, ठोस भाग होता है, इसे स्ट्रोमा का, ये जो द्रव होता है इसे स्ट्रोमा कहेंगे। और ये भाग कौन सा भाग कहलाता है, कॉर्टेक्स भाग कहलाता है, इस भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। अब ये देखिए, ये अंदर वाला जो भाग है इसका, ये ढीला संयोजित भाग होता है जिसमें रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, इसे मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। ठीक है, तो ये ढीला संयोजित भाग जो अंदर की ओर पाया जाता है ये मेडुला कहलाता है, और बाहर का जो ठोस भाग है उसे क्या कहेंगे, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अंडाशय भाग। ठीक है, इसके बाद में हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, इसका दूसरा भाग जो अंडाशय से जुड़ा रहता है और अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। तो अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ने का काम जो है वो किसका होता है, अंडवाहिनी का होता है।
किसका होगा? अंडवाहिनी का या ओविडक्ट जिसे कहा जाता है। क्या कहेंगे? ओविडक्ट या अंडवाहिनी। अब ये ओविडक्ट जो होती है या अंडवाहिनी जो होती है, ये एक नलिका रूपी संरचना होती है, और ये नलिका रूपी संरचना क्या करेगी? ये गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। ये क्या करती है? गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती है। यहाँ अंडाशय लगे रहेंगे और इस अंडाशय से यह नलिका रूपी संरचना जुड़ी रहती है, जिसे अंडवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ये भाग है वो अंडवाहिनी कहलाता है। एक जोड़ी होते हैं जो प्रत्येक अंडाशय से जुड़े रहते हैं और अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये भाग जो है वो क्या कहलाते हैं? अंडवाहिनी कहलाते हैं। नलिका रूपी संरचना जो किसको? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। इसके तीन भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग है, इस भाग को कहते हैं इनफंडिबुलम। इस भाग को क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम कहेंगे। ठीक है, दूसरा भाग इसका आता है तुम्बिका या एम्पुला जिसे कहा जाता है। ये जो मोड़ वाला जो भाग होता है, इसमें इनफंडिबुलम के आगे की ओर, इसे एम्पुला कहा जाता है। और इसका तीसरा भाग जो है, इस तीसरे भाग को इस्थमस कहा जाता है। इस तीसरे भाग को क्या कहेंगे? इस्थमस कहेंगे, या ये फैलोपियन ट्यूब इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो इनफंडिबुलम वाला भाग है, यह इनफंडिबुलम भाग, ये आगे की ओर, इसमें क्या है, बहुत सारे प्रवर्ध पाए जाते हैं अंगुलीनुमा, और ये प्रवर्ध होने कारण, मतलब ये झालरदार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? झालर। इसका आगे वाला जो भाग होता है ना, ऐसे झालरदार होता है ये ओविडक्ट का, तो इसलिए ये भाग क्या कहलाएगा? इसे झालर या फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? झालर या फिम्ब्री कहा जाता है। अब इस झालर या फिम्ब्री के अंदर एक छिद्र पाया जाता है। ये जो भाग होता है, यहाँ पर एक छिद्र होता है। इस छिद्र के द्वारा अंडाणु जो है वो अंडाशय से कहाँ चला जाएगा? अंडवाहिनी में चला जाता है निषेचन के लिए। इस छिद्र को ओस्टियम कहा जाता है। इस छिद्र को क्या कहेंगे? ओस्टियम कहेंगे। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा छिद्र होता है जो क्या करता है, ये अंडाशय में खुलता है, और इस छिद्र के द्वारा अंडाशय से निकलने वाला जो ओवम होता है, ये ओवम अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये इस्थमस वाले भाग के द्वारा यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। ये कीपनुमा भाग होता है। कैसा होता है? कीपनुमा या कीमेनुमा भाग है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कीपक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीपक। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाता है। दूसरा भाग इसका कौन सा आता है? एम्पुला भाग। ये मुड़ा हुआ भाग होता है, कीपक के आगे का भाग जो होता है, और ये इस्थमस से जुड़ा रहता है। कीपक को इस्थमस से जोड़ने का काम करता है। मनुष्य के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, वो इसी एम्पुला भाग में होती है। कौन से भाग में होगी? एम्पुला भाग के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है ना, अब निषेचन की क्रिया मतलब आप जानते हो कि इसमें क्या होगा, कि यहाँ से गर्भाशय से योनि मार्ग से गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में जा कर के इसके इस्थमस भाग में उपस्थित, नहीं सॉरी, एम्पुला भाग में उपस्थित जो ओवम होता है या अंडाणु होता है, उससे संयोजित हो जाता है। ठीक है, और इनके युग्मकों का संलयन हो जाता है। युग्मकों के संलयन के बाद में यहाँ पर निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तीसरा भाग आता है इसका इस्थमस। ये जो भाग है, ये
क्या होती है, लंबी नलिकाकार संरचना होती है, ये एम्पुला को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ती है, एम्पुला को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये स्तमस वाला जो भाग होता है ये एम्पुला को, या हम कह सकते हैं अंडवाहिनी को किससे जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ती है, या गर्भाशय में खुलती है। जो अब क्या होगा, निषेचित अंडाणु को, ये भाग जो है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, निषेचित अंडाणु है वो गति करता है, और निषेचित अंडाणु आगे की ओर बढ़ कर के यहाँ पर गर्भाशय में आता है और गर्भाशय की भित्ति से लग जाता है। जो हमने पढ़ा था ना उसके अंदर, निषेचन के बाद में जो भ्रूणीय अवस्था में हमने पढ़ा, भ्रूणीय परिवर्धन में, तो उसमें देखा कि कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर क्या होता है कि ये भ्रूण जो है ये यहाँ पर इसकी गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर लग जाता है और फिर इसका परिवर्धन होता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना, इसकी जो भित्ति होती है ना अंडवाहिनी की, अंडवाहिनी की जो दीवार होती है वो रोमाभी स्तंभी उपकला कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्तंभी उपकला जो होती है एक चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करती है, एक श्लेष्मीय पदार्थ का स्रावण करती है, जो क्या करता है, अंडाणुओं को गति करवाता है और उनमें पोषण प्रदान करने का काम करता है। उसी के साथ में इसमें जो रोमा भी उपकला यानी पक्षमाभ पाए जाएंगे, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ होते हैं, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। ये पक्षमाभ जो होते हैं ये अंडाणु को गति करवाने का काम करते हैं, यानी निषेचित अंडाणु जो होता है उसको गर्भाशय की ओर लेके आने का काम जो है वो इस पक्षमाभी उपकला का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो भाग है ये हो गया ओविडक्ट या अंडवाहिनी, जिसके कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो गया, पहला भाग हो जाता है इसका कीपक या इनफंडिबुलम, दूसरा भाग आता है इसका एम्पुला या तुम्बिका, और तीसरा भाग आता है इसका इस्थमस। तीन भाग होते हैं। कीपक भाग के अंदर क्या पाई जाती है, यानी कीपनुमा भाग होता है, इसमें फिम्बरी या झालर पाई जाती है, और इसी के अंदर ओस्टियम होता है जिसके द्वारा ओवम को ग्रहण किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, एम्पुला का मतलब समझ गए ना आप, एम्पुला क्या होता है कि ये एक मोड़ वाला भाग होता है, इसका घुमावदार भाग है जो जिसके अंदर क्या होगा, निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी, और स्तमस तीसरा भाग होता है जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में लेके आने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से ये आपका अंडवाहिनी का जो भाग है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आपका अगला भाग जिसका नाम है गर्भाशय, उसके बाद में योनि, और योनि के बाद में भाग, ये भाग आपके रह गए। ठीक है, हमने कौन कौन से भाग पढ़ लिए यहाँ पर, एक तो पढ़ लिया अंडाशय मादा जननांग के अंदर, और दूसरा भाग हमने पढ़ा अंडवाहिनी। तो दो भागों के बारे में हमने चर्चा कर ली, आगे के भाग गर्भाशय, योनि, और भग वाला भाग है जिसके बारे में आगे की ओर चर्चा करेंगे। एक स्तन भाग भी है, इसमें रह जाता है, सहायक जननांग के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।